स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और टू आईआईटीएंस पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू आईआईटीएंस के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0, द फोकस इज 2, 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हमें क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही है। तो देखिए इसमें क्या है, हम पॉइंट पी जो पैराबोला पर एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट है उससे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। और ये आपका पीएफ, ये आपका क्या हो रहा है, जो पीएफ है ये आपका पैराबोला के फोकस से पास हो रहा है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला is given by PF equal to PM। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच की, ये आपका हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर, और ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, ये आपका इक्वल हो जाएगा 3x प्लस टू वाई प्लस वन अपॉन, और इन, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका थ्री का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपका हो गया थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट थर्टीन हो जाएगा। तो अंडर रूट थर्टीन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, पैराबोला का फिगर हम मिटा रहे हैं क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा इशू है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये इससे अंडर रूट हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर, और ये इस पूरे पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए जब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए ये आपका टर्म कभी कभी नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आता है तो उसको कभी नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में मॉडुलस का साइन मैंने यहां पर लगाया था कि बाय द वे अगर सॉल्व करने में ये नेगेटिव आ जाता है तो भी हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए इसमें मॉडुलस का साइन इसमें लगाया जाता है, क्योंकि ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक परपेंडिकुलर है उसकी कोई लेंथ है, कोई लेंथ है उसकी, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जो टर्म होता है ये आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये अंडर रूट के अंदर से तो हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा, अंडर रूट के अंदर से आपका पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा, तो ऊपर वाला टर्म भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखिए इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 13, ठीक है, 13 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 13 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, तो ये आपका x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एक्सपेंड करने में ये लिख नहीं पाएगा। तो देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y, और ये आपका क्या हो जाएगा, इस बार हमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें सारे क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे इसमें, तो ये आपका 3x का स्क्वायर प्लस
टू वाई का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, टू ए बी वाली कंडीशन हो जाएगी, टू इंटू थ्री इंटू टू, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 24xy प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, टू टू थ्री इंटू वन, टू थ्री एक्स इंटू वन, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6x प्लस, और ये आपका टू इंटू टू वाई इंटू वन, तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 4y, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13 टाइम्स, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, और ये आपका होगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 24xy प्लस 6x प्लस 4y। तो अब देखिए इसमें ये आपका 13 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2y, और ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये आपका 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 6x प्लस 4y प्लस 1, ये हमने कर दिया। अब देखिए 13 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 52x माइनस 26y प्लस 65 इक्वल हो जा रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 6x प्लस 4y प्लस 1। आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 13x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, और 13y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये आपका प्लस 9y स्क्वायर, और इसको हम पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आपका माइनस 24xy, और देखिए माइनस 52x माइनस 52x माइनस 6x, तो ये आपका माइनस 58x हो जाएगा, माइनस 26x, और ये 4y इधर आएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 30y, और 65 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 64 इक्वल टू 0। तो ये जो फाइनली जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, बस यही आपके पैराबोला की इक्वेशन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए सॉल्व करते समय यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये देखिए ये आपका जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आपका 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आपका 12xy हो जाएगा, तो ये आपका 12 हो गया यहां पर, और ये भी आपका 12 आपका यहां पर हो जाएगा, तो ये आपका 12xy होगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 12xy होगा, और ये भी आपका 12xy होगा, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर में भी आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर में भी आपको 12xy मिल जाएगा। तो बस यही आपका फाइनल आंसर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए।